नहुताल के जंगल में गुप्पी चिड़ी बाज के पास काम करता था। तभी एक दिन उसे फोन आता है। क्या मेरी बात गुप्पी चिड़ी से हो रही है? जी बोलिए। गुप्पी चिड़ी, मैं भौतिक कंपनी से बोल रही हूँ। आपने हमारी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, आप सिलेक्ट हो गए हैं और आपको सुंदरबन में ट्रांसफर किया जा रहा है और आपका सैलरी 1 लाख महीने होगा। ये सुनकर गुप्पी चिड़ी बहुत खुश हो जाता है और जॉब के लिए हाँ करके अपना सामान पैक करके अगले ही दिन सुंदरबन जंगल के एक घर में किराए के कमरे में रहने लगता है। तभी उसकी माँ गौरी का फोन आता है। अरे बेटा, कहाँ है? अभी तक तुझे कमरा मिला या नहीं? हाँ, मिल गया माँ। वो तो मुझे ठहरा के चले गए हैं दूसरे जंगल में। अरे, वही कमरा जिसकी बात तो कर रहा था, तू चला जा वहाँ से। वहाँ से तो भूत प्रेत में रहते हैं। मेरी पड़ोसा सुंदरी की बेटी वहाँ जॉब करती है, उसने कहा है। माँ, तुम तो जानती हो मुझे, भूत प्रेत में विश्वास नहीं है। चलो, मुझे बहुत काम है, मैं रखता हूँ। फिर काफ़ी दिन बीत जाते हैं और गुप्पी चिड़ी के साथ अजीब अजीब हादसे होते थे। एक दिन गुप्पी चिड़ी किसी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को नजरअंदाज करके वो अगले ही दिन वो अपने पड़ोसी टिंकी चिड़ी के पास जाता है, जो देखने में बहुत अजीब थी। टिंकी, मुझे एक नौकरानी का ज़रूरत है जो तुम्हारे पास काम करती है, क्या मुझे मिलवाओगी? बस इतना ही बात सुनकर टिंकी दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर अगले ही दिन गुप्पी चिड़ी के वहाँ, ये तुम कौन? मैं हूँ टिंकी चिड़ी, टिंकी के वहाँ काम करती हूँ। आपने मुझे बुलाया था, मैं तो बहुत अच्छे से काम करती हूँ साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिर अगले ही दिन टिंकी चिड़ी गुप्पी चिड़ी के यहाँ काम करने लगी। फिर अचानक उसने अपना गर्दन जोर जोर से हिलाने लगी। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं साहब, आप बताओ, कुछ काम था? गुप्पी चिड़े इस सब हादसे से डर जाता है और घर में पूजा करने की सोचता है। अगले ही दिन वो पूजा की थाली लेकर पूजा कर रहा होता है, तभी टिंकी चिड़ी अपने असली रूप में आ जाती है। तुझे कहते हो रुक जा, मुझे शरीर में बहुत जलन हो रही है, पूजा बंद कर नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये देखकर गुप्पी चिड़ी डर के मारे घर से बाहर भागता है और अपने पड़ोसी टिंकी के घर जाता है। टिंकी चिड़ी, जल्दी बाहर आओ, पता है टिंकी चिड़ी एक नौकरानी नहीं, एक भूत है। फिर नौकरानी नहीं, मेरी बेटी है, मैंने उसे तुझे मारने के लिए भेजा था। फिर उधर टिंकी चिड़ी आ जाती है। इस घर में मैं मर गई थी, इसीलिए इस घर में जो आएगा उसे मरना पड़ेगा, तुझे कौन बचाएगा? गुप्पी चिड़ी ये सब देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से उड़कर अपने घर से गुलाब जल उन पे डालने के लिए ले जाता है। और अरे, ये क्या फेंक दिया, उसमें बहुत जल रही है, हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, बचाओ मुझे। ये कहकर वहाँ से दोनों गायब हो जाते हैं। फिर गुप्पी चिड़ी जादूगरी को बुलाकर उस घर में बुई आता है और फिर धीरे धीरे वो खुशी से अपना घर में रहने लगता है।